आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार। करीब 250 फरियादियों से मिलकर सुनी उनकी फरियाद। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव ने रैन बसेरों की स्थिति, कंबल वितरण, अलाव की व्यवस्था, वैक्सीनेशन, अस्पतालों में दवाइयों की स्थिति, गौशालाओं में पशुओं की व्यवस्था, धान खरीद, सार्वजनिक राशन वितरण सहित शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई 11 और 12 जनवरी को आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक। समिति गठित कर सौंपी जिम्मेदारी। महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। सोमवारी जाम से जनता हुई हलकान। एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने संभाला मोर्चा। कहा, कई जगह सड़क खुदाई के कारण उत्पन्न हुई जाम की समस्या, बेतरतीब वाहन चलाने वालों को दी चेतावनी। 3 दिवसीय नाबार्ड शरद मेले का सोमवार को हुआ समापन। उत्तर प्रदेश नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने सभी स्टालों का किया अवलोकन, वितरित किए सर्टिफिकेट। सुरक्षित नींद सबके लिए अभियान के तहत 8 ई रिक्शा को एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को स्वयं सेवक पहुंचाएंगे रैन बसेरा में, जिससे उनकी पूरी हो सके सुरक्षित नींद। खिचड़ी मेले व गोरखपुर महोत्सव में डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम से पुलिसकर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी। ऐप बताएगा ड्यूटी का स्थान। एसपी सिटी ने दी जानकारी। भाजपा में शामिल होने के बाद जनपद में प्रथम आगमन पर भानु प्रकाश मिश्रा का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया जोरदार स्वागत। कहा, जनता की सेवा करना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। प्रदेश में दोबारा बनेगी 2022 में भाजपा की सरकार। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में इंदिरा गांधी प्रतिमा से लेकर गांधी प्रतिमा तक निकाला गया शक्ति यात्रा। महिलाओं को किया गया जागरूक। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 357 केंद्रों पर 27,608 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 9,879 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 17,729 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, ओमिक्रॉन को देखते हुए अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। क्रिसमस पर्व के अवसर पर क्राइस्ट चर्च से मसीही समाज ने निकाला कैंडल लाइट सर्विस। प्रभु यीशु को किया याद। और नाबार्ड के तत्वावधान में 18 से 20 दिसंबर तक आयोजित शरद मेला में समूह की महिलाओं द्वारा लगाया गया स्टॉल। कहा, मेले में हुई अच्छी बिक्री, उत्पादों को मिला बाजार।